वेलकम टू वरुण मैथ्स ऑनलाइन क्लास। आज हम लॉग एंटी लॉग का यूज़ करके कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे लॉग एंटी लॉग का यूज़ करके। सॉल्व विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम 25.2 इंटू 0.0009। इसका प्रोडक्ट, इसका आंसर कितना आएगा, इसको लॉग एंटी लॉग टेबल से अपन निकाल करके बताएंगे। तो सबसे पहले आप कैलकुलेटर से इसका आंसर देख लीजिए कि इसका आंसर क्या आ रहा है। इसको आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए और उसको ना लॉग एंटी लॉग की सहायता से अपन जब आंसर निकालेंगे तो उसमें आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। सॉल्यूशन है इसका, देखिए लेट इसकी वैल्यू निकालना है, इसका आंसर कितना आएगा। तो ये करते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू, इसको x मान लेते हैं, लेट x इक्वल्स टू 25.2 इंटू 0.00009 ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों साइड में लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, दोनों साइड में अपन लॉग ले लेते हैं। तो ये हो गया लॉग x इज इक्वल्स टू लॉग 25.2 इंटू 0.00009, ठीक है। अब आपको लॉग का रूल मालूम होगा, लॉग m इंटू n यदि रहे तो अपन उसको क्या लिख सकते हैं, लॉग m प्लस लॉग n ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ये लॉग का नियम आपको मालूम होगा, मेरे पहले या दूसरे वीडियो में ये दिया हुआ है, आप इसको देख लेंगे। तो इस रूल के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, लॉग x इज इक्वल्स टू लॉग 25.2 प्लस लॉग 0.00009। अब इसका लॉग निकालना है, तो लॉग निकालने के लिए मैं आपको बताया था इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, ये लॉग, ये डेसिमल जो है यहाँ प्लेस होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2.52 इंटू 10^1, है ना। इसको अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे इसका लॉग निकालने के लिए। और इसको, इसका लॉग निकालने के लिए, इसका लॉग निकालने के लिए इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये डेसिमल यहाँ पास आना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5 प्लेसेस के बाद आएगा 9.0 इंटू ये 10^-5 आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा जी, इसका जो इंटीग्रल पार्ट होगा वो 1 हो जाएगा। मैं लॉग एंटी लॉग निकालना आपको ऑलरेडी वीडियो नंबर 4 में सिखा चुका हूँ, आप उसको एक बार देख सकते हैं। यदि आपको लॉग एंटी लॉग निकालना ना आता हो तो आप वीडियो नंबर 3 और वीडियो नंबर 4 को देखिए। तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या बन जाएगा, ये 1 आ जाएगा, करेक्टरिस्टिक्स पार्ट। और इसका लॉग निकालना है आपको, इसका क्या करना है, लॉग 25 का 2 देखिए क्या निकल रहा है, 25 का 2 में देखेंगे तो 25 के 2 में आपको मिलेगा 4014 मिलेगा 25 का 2। ये इंटीग्रल पार्ट हो गया, इसका लॉग देख लिए 4014 ये आया, ठीक है। उसी तरीके से देखेंगे ये क्या है, इसका जो करेक्टरिस्टिक्स पार्ट जो आया वो 5 बार आएगा, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, 90 का 0 देख लेंगे आप, 90 का 0, ये इंटीग्रल पार्ट क्या आया, 5 का नेगेटिव। अब इसका 90 का 0 देखेंगे तो इसका मेंटिसा पार्ट आएगा 9542, है ना। आप एक बार देख लीजिएगा, लॉग एंटी लॉग निकालना मैं वीडियो नंबर 3 और 4 में बताया हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ एक चीज़ देखने वाली बात यह है कि जो मेंटिसा पार्ट होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, यहाँ पास ये नेगेटिव है लेकिन ये पॉजिटिव है। तो ये क्या है, देखिए यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं, लॉग एक्स इज इक्वल्स टू, अब मैं इसको इसके साथ कैलकुलेट कर रहा हूँ तो -5 और +1, तो यहाँ 4 निगेटिव बचा, यहाँ पास क्या बचा, 4 निगेटिव, ठीक है। और फिर दोनों मेंटिसा पार्ट को मैं ऐड कर लूँगा, यहाँ पास क्या करेंगे, जो दोनों मेंटिसा पार्ट है, मेंटिसा पार्ट ऑलवेज पॉजिटिव, ये निगेटिव था इसके साथ ऐड कर लिया तो 4 निगेटिव बचा, और मेंटिसा पार्ट में मेरे पास क्या है, 4014, और ये क्या है,
0.9542, ये दोनों को ऐड कर लीजिए आप, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, ये 1.3556, तो ये हो जाएगा प्लस 1.3556। अब ये जो है पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग एक्स इज इक्वल्स टू ये -4 + 1, तो ये 3 बार हो जाएगा और ये आएगा 3556। ठीक है, समझ में आया, ये आ गया लॉग एक्स की वैल्यू, दोनों की अपन लॉग निकाल दी, यहाँ मैं लॉग निकाला हूँ, ठीक है, इसका लॉग निकाल ली। अब मेरे को एक्स का मान निकालना है, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, तो एक्स लॉग एक्स बराबर ये है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, लॉग का जब अपन ट्रांसफ़र करेंगे, साइड चेंज करेंगे, तो ये एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग 3 बार 0.3556 ऐसा हो जाएगा। जब एंटी लॉग निकालते हैं ना, तो एंटी लॉग केवल मेंटिसा पार्ट का निकलता है ना, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, एंटी लॉग ये हो जाएगा 0.3356 का निकलेगा, ये मेंटिसा पार्ट वैसे ही का वैसे ही रहेगा, है ना। आप 30.35 का 5 देखिए एंटी लॉग में, 0.35 का 5 देखेंगे तो 2265 आएगा, 2265 आएगा, ठीक है, 0.35 का 5 देखिए, उसके बाद 0.35 का 6 देखिए, तो यहाँ 3 आएगा, दोनों को ऐड कर लीजिए, 538 ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2। तो जब इसका आप एंटी लॉग निकालेंगे, है ना, तो एंटी लॉग इसका निकलेगा x इज इक्वल्स टू, एंटी लॉग कैसे निकालते हैं वीडियो नंबर 4 में मैं आपको कंप्लीट बताया हूँ, तो आप एक बार वीडियो नंबर 4 जरूर देख लेंगे, एंटी लॉग आपको समझ में आ जाएगा। तो ये इसका निकलेगा, तो ये ऑलरेडी यहाँ पास डेसिमल प्लेस रहता है, 268 इंटू 10 to the power -3, ठीक है, ये निकला। और ये किस बात को इंडिकेट कर रहा है, ये जो डेसिमल लगेगा वो 3 डिजिट इस साइड लगेगा, ये डेसिमल 3 डिजिट आगे चलेगा, है ना, ये क्या चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि ये डेसिमल 3 डिजिट आगे चलेगा। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू, इसको 3 डिजिट आगे खिसकाइए, तो ये हो जाएगा 2268, इसको 3 डिजिट आगे खिसकाएंगे तो 123 यहाँ पास डेसिमल आएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.00268, ये आ गया इसका आंसर। यदि आप इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व करेंगे तो भी इसका जो रिज़ल्ट आएगा, इसका रिज़ल्ट आएगा 0.002268, इतना ही आएगा, ठीक है, आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व करके देखेंगे तो फिर भी इसका रिज़ल्ट यही आएगा, और लॉग एंटी लॉग का यूज़ करके देखेंगे तो भी यही आएगा। तो मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूँ कि आप जो मेरा वीडियो नंबर 3 और 4 है उसको आप ज़रूर देखिए, उसमें आपको मैंने लॉग और एंटी लॉग निकालना सिखाया है कि लॉग एंटी लॉग अपन कैसे निकालते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, चाहे वो किसी भी कॉलेज के हों, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, थैंक यू वेरी मच।